एसएससी वगैरह में जाते हैं उनका एग्जाम हम बाद में लेते ही हैं, इंटरनल हम बाद में लेते हैं, यही वाली बात है ना, ये होता है क्योंकि सेशन हमारा 6 महीने पीछे तो चल रहा है। हां वो तुम लिखवा ऐसा लिख के दे दो कि जो बच्चा एग्जाम में अपीयर हो रहा है उस दिन अगर उसका कोई एग्जाम होगा तो वो बाद में हो जाएगा। हां वही यही हम चाहते हैं। इसको तुम यहां से फॉरवर्ड करा के कंट्रोलर को दो। ये हमने कुलपति जी के लिए लिखी है। हां और पहले हमने डायरेक्टर सर को फोन किया, उन्होंने कहा मैं छुट्टी में हूं तो आपको दे सकते हैं हम उनकी। हां पर उसमें अब ये चेंज कर दो फिर। हां मैम यही, क्योंकि पिछली बार भी स्कीम चेंज तो हम कराना भी नहीं चाहते मैम, क्योंकि पिछली बार तो परीक्षा चेंज हुई तो मैंने भी उन लोगों से कहा था कि 17 हमारा पीछे चल रहा है, बहुत पीछे चल रहा है, पीछे एक पूरा सेशन पीछे चल रहा है, पूरा पीछे चल रहा है, बात में जानता हूं मैं। मैम ये है कि सेवा में श्रीमान कुलपति महोदय सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा द्वारा उचित माध्यम अधिष्ठाता प्रशासन सोबन सिंह जीना परिसर अल्मोड़ा, विषय एसएसजेयू के परीक्षा कार्यक्रम के बीच एनडीए भारतीय सेना अग्निवीर बंदी रक्षक परीक्षा होने के संबंध में। महोदय निवेदन इस प्रकार है कि आप जानते हैं आजकल एसएसजेयू की परीक्षाएं चल रही हैं और परीक्षाएं समाप्त होने में काफी समय शेष है आदरणीय महोदय, लेकिन परीक्षा कार्यक्रम के मध्य 16 अप्रैल को एनडीए, 17 अप्रैल से 26 अप्रैल तक भारतीय सेना अग्निवीर और 20 अप्रैल को बंदी रक्षक की परीक्षा होनी है और कई बार परीक्षा केंद्र दूर दिए जाते हैं और आने जाने में समय भी खर्च होता है जिस कारण एक दिन पहले आना जाना होता है। महोदय आप जानते ही हैं कि हमारे राज्य का युवा बचपन से ही सेना में जाने हेतु संकल्पित होता है और वर्षों से मेहनत करता है और ऐसी परीक्षाओं के बीच में विश्वविद्यालय की परीक्षा होना विद्यार्थियों को मानसिक रूप से परेशान भी करता है और ऐसा केवल किसी सेमेस्टर विशेष के साथ नहीं अभी तो लगभग हर कक्षा के विद्यार्थी के साथ होता है। और एक बात और संज्ञान करा दूं कि 19 अप्रैल को यूपीएससी की भी परीक्षा होनी है। महोदय इस ज्ञापन के माध्यम से एसएसजेयू के अंतर्गत आने वाले अनेकों विद्यार्थियों की समस्याओं का संज्ञान कराना चाहते हैं और आशा करते हैं कि विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन विद्यार्थियों के परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव करेगा और यह काफी आवश्यक भी है क्योंकि यह विद्यार्थियों की वर्षों की मेहनत है और भविष्य का सवाल है। परीक्षाओं की जानकारी ऊपर अंकित की गई है और विश्वास की दशा में आप स्वयं से भी जांच कर सकते हैं, आपकी अति कृपा होगी। और इसमें तुमने जो लिखा है ना परीक्षा कार्यक्रम का बदलाव, ये मत लिखो, तुम इसमें ये लिखो कि जो जो परीक्षा देने जा रहे हैं हमारे बच्चे उनका जो पेपर छूट रहा है उसको आप दुबारा मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पेपर तो बनते ही हैं, ये तो हमने लिख के दे दिया तो अब तो यूनिवर्सिटी डिसीजन करेगी ना कि हर चीज कार्यक्रम में तुम बदलाव लिख रहे हो ना, वो तो वो भी समझ जाएंगे, वो तो वो भी समझ जाएंगे ना, ना नहीं समझेंगे ना, तुम जब तक ये नहीं लिखोगे, आप ये लिखो कि ऐसे परीक्षार्थी जो इन परीक्षाओं को देने जा रहे हैं उनके लिए मतलब वो परीक्षा छूट जाएगी उनकी यहाँ की तो इनके उनके लिए जो है दूसरी तिथि घोषित कर दी जाए। क्या लिखा जाए इसमें, पर तुमको ये वाली लाइन को हटाना पड़ेगा ना परीक्षा कार्यक्रम से बदलाव वाला, ये लिखो कि ऐसे परीक्षार्थी जो इन परीक्षाओं को दे रहे हैं उनके लिए परीक्षा पीछे हो रही थी उसमें तभी हमने परीक्षा चेंज नहीं करवाई, लेकिन इसके लिए बहुत सारे लोगों के फोन आ गए, मैं कभी परीक्षा पीछे जाने का वो नहीं ठीक है ना। फिर जो जो एग्जाम दे रहे हैं हमारा तो देखो हम ये मेथड करते हैं जो बच्चा एग्जाम देने जाता है जैसे एनसीसी वाले हम उनके टीचर से लिखवाते हैं उनकी एप्लीकेशन में ये जा रहा है एनसीसी का बच्चा है तो ऐसे ही जो ये बच्चे एग्जाम देने जाएंगे उसका ऑप्शन फिर यही होता है कि उनका एडमिट कार्ड जो है वो दिखाएं तो हमें पता चल जाएगा ना एक स्ट्रेंथ। अब ये कंट्रोलर क्या डिसीजन लेते हैं ये तो मैं अपनी बात बता रही हूं, होता ही है इसको बनाने तक हमारी बात मुझे लगेगा कि हां इसी तरह की चीजें जो हमने इसको कही हैं कि परीक्षा वो भी पीछे ना हो सेशन भी पीछे ना हो तो पूरा कितना टाइम है, टाइम भी बहुत है ना, 16 से 26 है पूरा। बीए में 1800 बच्चा है, 18 में से मैं 1800 तो नहीं जा रहा होगा अग्नि विद्या एग्जाम देने, उसके से 100 जा रहे होंगे 200 जा रहे होंगे तो उन 200 के लिए पूरे 1800 की स्कीम को थोड़ी ना आप चेंज कराओगे, मतलब हम भी चाहते हैं पीछे भी ना जाए सेशन हमारा पीछे ना हो। एनईपी वाले एग्जाम तो खत्म ही हो गए अब यहाँ तो सारे पीजी के और उसके ही चल रहे हैं तो कुछ ही बच्चे होंगे लेकिन हमें फोन में बहुत सारे लोग के आ रहे हैं मतलब इसमें अब ये करवाई की हाँ तो जो बदलाव वाला है तुम उनसे यही बात कहना मैं तो फॉरवर्ड कर दूंगी पर तुम कंट्रोलर को यही कहना कि सर हमारे जो बच्चे ये एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं उनके लिए आप आगे की तिथि निश्चित कर दीजिए, पेपर तो बनते ही है 2-3 अभी के देखा ये जरा सेशन वाले उसको देखते हुए ये चीज है ना पूछे जबरदस्ती चौधरी क्यों बनो जबरदस्ती और लगा जी 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 अब तुम कुलपति जी के पास जाओगे कुलपति जी फिर ना इतनी छोटी सी बात के लिए क्या कुलपति जी के पास जाए अभी कहते हैं हर जवाब मेरे पास आ जाते हैं वो तो गुर्जर थे नहीं मैंने फोन किया वो कहते मैम को दे दो हाँ, नहीं।